तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल MCM ट्रेवल ब्लॉग्स में। तो अभी हम हैं भवाली पे और हम जा रहे हैं अल्मोड़ा चितई मंदिर। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम कैची धाम क्रॉस कर रहे हैं और जो अल्मोड़ा की रोड है वो आपको खैरना गर्म पानी तक तो सही मिलेगी और उसके आगे काफ़ी ख़राब है रोड, और फिर क्वारब से आपको अल्मोड़ा तक चितई तक पूरी अच्छी रोड मिलेगी। तो यहाँ पहुँचने के लिए बात करें दोस्तों, आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो बाय एयर अगर आप आते हैं तो सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो पन्नगर है, और पन्नगर से चितई की दूरी जो है वो लगभग 135 किलोमीटर है। और बात करें नज़दीकी रेलवे स्टेशन की तो वो है काठगोदाम हल्द्वानी, जहाँ से चितई मंदिर जाने के लिए आपको 98 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। और बात करें बाय रोड की तो ये सभी मेजर सिटीज़ से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चितई में गोली देवता मंदिर है उसको लेकर ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्र वंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में कराया था, और जो यहाँ के पुजारी हैं उनके अनुसार 19वीं सदी के पहले दशक में इसका निर्माण हुआ था, और लोगों द्वारा इसे घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ कदम रखते ही आपको घंटियों की लाइनें दिखाई देती हैं। और ये सामने गोलू देवता मंदिर का मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हमें मंदिर में जाना होता है। और बात करें चितई मंदिर जो है भगवान शिव के एक रूप गोलू देवता को समर्पित मंदिर है, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। अल्मोड़ा के चितई और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के घोड़ाखाल में जो गोलू देवता मंदिर है वहाँ केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी हो जाती है, ये इन मंदिरों की मान्यता है। अभी आप सामने देख रहे हैं गोलू देवता का मेन मंदिर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो घंटियों की कतारें हैं और जो चिट्ठियाँ यहाँ पे लगाई हुई है भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा, वो अनगिनत हैं, उसकी आप कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। और ये मान्यता है यहाँ पर कि जब यहाँ पर लोग आकर जो भी लोगों की परेशानियाँ हैं या तकलीफ़ें हैं वो एक सादे कागज़ पर या स्टैम्प पेपर पर अर्जी लगाते हैं, और जब वो उनकी मुराद या परेशानी दूर हो जाती है तो वापस आकर मंदिर में घंटियाँ चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे घंटियों की आप कतारें देख सकते हैं। खराब है, जैसा कि आप लोगों ने सुना हम जो प्रसाद में नारियल लाए थे वो अंदर से ख़राब निकला, तो ऐसा माना जाता है नारियल का ख़राब निकलना शुभ होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चीड़ के घने जंगलों के बीच
पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है और गोलू देवता को गौर भैरव भगवान शिव के अवतार के रूप में जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि लोग यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में न्याय के लिए चिट्ठियाँ लगाते हैं, तो सामने आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पर श्रद्धालु और भक्तजन आकर चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और अपनी अर्जियाँ जो है इस न्याय के दरबार पर लगा रहे हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से इसे न्याय का दरबार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, गोलू देवता चितई मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं डाना गोलजू मंदिर, यानी कि डाना गोलू देवता मंदिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं डाना गोलू देवता मंदिर। तो स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर की मान्यता है, जब आप लोग गोलू देवता मंदिर चितई में दर्शन करेंगे और वहां कोई मुराद आप लोग मांगेंगे तो उसके बाद इस मंदिर में भी आपको दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा।